शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार और कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सोलन में गुरु शिष्य परंपरा एवं शास्त्रीय संगीत संस्था द्वारा आयोजित 10वीं संगीत प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रतियोगिता में सोलन, शिमला और सिरमौर से आए 50 के करीब प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ व वरिष्ठ वर्ग के शास्त्रीय संगीत, भजन गायन एवं वाद्य वादन के मुकाबले करवाए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह की खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि संस्था पिछले 10 वर्षों से कलाकारों को मंच प्रदान कर रही है, जिससे कलाकारों का हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यह संस्था कलाकारों की छुपी ही प्रतिभा को तराशने का काम कर रही है और इसके चलते संगीत के क्षेत्र में प्रदेश के कलाकार बाहरी राज्यों में भी अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। प्रतियोगिता के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा विजयी रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में नगद राशि और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। 10वां ये कार्यक्रम था, एक बड़ा उत्कृष्ट मंच है और इस संस्था का उद्देश्य जो है वो जो उदयमान कलाकार हैं जिनके अंदर संगीत की प्रतिभा जो है वो विद्यमान है, ऐसे प्रतिभाशाली बालक व बालिकाओं को एक मंच देना और ये प्रयास जो है ये प्रशंसनीय है। मुझे जो है ये दूसरी बार आज इसमें आने का मौका मिला है। मंच पर हमने देखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी हैं और ये उनको देख करके ये विश्वास हुआ है कि संगीत में हिमाचल प्रदेश, संगीत के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश से भी जो है वो अनेकों कलाकार जो है वो आगे जा सकते हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं।